हेलो दोस्तों, जियोटेक ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में मैं इत्तेदा आलम आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर के बारे में जानेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। और आपको ये पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का है। और इसमें लगभग इसकी जो कुल 247 छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ये आप सभी जानते हैं। आइए अब इसके कुछ पर्वत शिखर हैं, उनकी स्थिति कहाँ पे है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके बारे में जानते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है उसका नाम है सैडल पीक और ये उत्तरी अंडमान में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। दूसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट डियोवोली। माउंट डियोवोली जो कहाँ पे है, मध्य अंडमान में है और इसकी ऊंचाई 515 मीटर है। तीसरा जो है वो माउंट कोयोबो है और ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। चौथे नंबर पे जो है माउंट हैरियट है और ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है और ये 450 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पांचवा जो है वो माउंट थुलियर है जो कि ग्रेट निकोबार में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 462 मीटर है। तो आइए देखते हैं इसकी मैप में इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है और ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इसको इससे रिलेटेड। आइए देखते हैं। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में यानी नॉर्थ साइड में जो है वो है सैडल पीक, उसके बाद कौन सा है माउंट डियोवोली और उसके बाद है कोयोबो, माउंट हैरियट और उसके लास्ट में सबसे लास्ट में है माउंट थुलियर। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, तो ये आसान है, वो हम याद कर लेंगे सैडल पीक, डियोवोली और कोयोबो, माउंट हैरियट और थुलियर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि ऊंचाई के क्रम में सजा करके सजाना है तो क्या करेंगे, तो ऊंचाई के क्रम में अगर सजाने के लिए बोल दिया जाए तो सैडल पीक जिसकी ऊंचाई कितनी है 738 मीटर है, ठीक है, और डियोवोली इसकी ऊंचाई कितनी है 515 मीटर है, ठीक है, और कोयोबो इसकी ऊंचाई कितनी है 460 मीटर है, ठीक है, और माउंट हैरियट इसकी ऊंचाई कितनी है 450 मीटर है, और माउंट थुलियर इसकी ऊंचाई कितनी है 462 मीटर है, ठीक है। तो अगर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसान है, नॉर्थ से साउथ में हम सजा लेंगे, लेकिन अगर ऊंचाई के अनुसार पूछ लिया जाए तब हम क्या करेंगे कि एक नंबर में कौन सा हो जाएगा सैडल पीक, दो नंबर पे हो जाएगा माउंट डियोवोली, तीसरे नंबर पे हो जाएगा कोयोबो, चौथे नंबर पे हो जाएगा थुलियर और पांचवें नंबर पे हो जाएगा माउंट हैरियट। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी कुछ नॉलेजफुल जानकारी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।